एक बार जोरदार तालियां बादशाह हार्डी संधू, तनिष्क बागची, आशीष कौर एंड डीजे चेतस। तो सबको किसने, अक्षय पाजी ने खुद अप्रोच किया था, बिकॉज वो खुद म्यूजिक के बड़े शौकीन है, तो उनको पूरी खबर रहती है कौन सा गाना किसका किसने गाया है, कौन सा हिट चल रहा है। तो आप सबको अक्षय पाजी ने पर्सनली फोन किया था? मेरे को एक्चुअली अजीम ने कॉल किया था, जो म्यूजिक सुपरवाइजर है हमारे। ओके। तो उन्होंने कॉल किया था। भाई वैसे अजीम को आना चाहिए, बड़ी चलाक चीज है वो। मतलब मैं गाना गा के आया, मुझे नहीं पता था मेरे साथ हार्डी भी आशीष भी वो है नहीं। अजीम अजीम वो म्यूजिक डायरेक्टर है? वो नहीं, वो म्यूजिक सुपरवाइजर। अच्छा, सुपरवाइजर ये भी पोस्ट नया नया। मैंने तो फैक्ट्रीज में सुने थे। मेरा ध्यान ही नहीं गया। अर्चना जी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। जब तू अच्छी बातें बोलता है ना, मुझे पता नहीं होता कि रिएक्ट कैसे करूं। आदत नहीं रही ना अच्छा सुनने की इससे। तो फिर मैं वो बोल देता हूँ जिसकी नहीं, आपको नहीं, आदत नहीं, नहीं। आदत डाल लूं। मेहनत करती हैं अर्चना जी, मड आइलैंड से आती हैं। तो अगर बाय रोड आए तो ट्रैफिक बड़ा मिलता है, तो फिर ये बाय वाटर आती हैं। इनके पास खुद की बोट है, आपको पता है? हाँ, दो छोटे मगरमच्छ इन्होंने पाल रखे उनके ऊपर। तो अभी वो बड़े हो गए हैं। मिनी तो दो मगरमच्छ रख के ना उसके ऊपर ऐसे चढ़ शुरू हो गया, हो गया शुरू। हाँ, मड आइलैंड की अजय देवगन है। अच्छा, हाँ, मोटरसाइकिल पर ऐसा। जब म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई आता है, मेरे चेहरे पे अलग ही ग्लो आता है। कि मुझे ये होता है कि चलो यार आज मजा आएगा, गाने वाने सुनेंगे, थोड़ा म्यूजिक का शौक रखते हैं हम भी। आपको मैं एक और गुड न्यूज देना चाहता हूँ, बादशाह मेरे लिए गाना कंपोज कर रहे हैं। अब आपकी टेंशन। अब ये भी हम 4-5 मिल के करेंगे कंपोज। अब बोलते रहना मीडिया को, जवाब देते रहो। एक तनिष्क बागची भी कर रहे हैं, ये काटना नहीं, आपको अपनी मम्मी की कसम। जब बड़ा कभी कभी डर लगता है, 500 लोग बैठ के आपको ऐसे देख रहे हैं। इसलिए ना ये कॉमेडी नाइट्स पहले हम करते थे ना, हमने वो हटा दिया कॉमेडी शब्द बीच में से, क्योंकि नहीं होती यार कभी। तो मतलब अब मैं जैसे आपको बता रहा था, तो अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पंच आएगा, पंच था ही नहीं, वही सिंपल बात थी। जैसे हम किसी को नॉर्मली सुना रहे हैं, आपको पता क्या हुआ कल, मैं तो वहां जा रहा था। अच्छा फिर तो वहां से एकदम से मेरी यार वो ऐसे ऐसे गाड़ी पंक्चर होगी, तो मैं लेट हो गया बस। लगता है ऐसे, आप बता रहे हो तो पंच आएगा। जैसे आपको भी ऐसा होता ना कि कोई मिलता होगा आपको, बोलता होगा यार वो गाना सुना दो कोई। हाँ। मुझे कहते कोई जोक सुना दो, है ना, कोई आर्मी अफसर मिले, कोई नहीं कहेगा गोली चला के दिखाओ। गोली चला के दिखाओ। सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट क्या आई है आपकी? वियर्ड रिक्वेस्ट नहीं, मुझे मेरा सीन, मैंने जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे फिल्म स्टार होते हैं ना कि मैं हमारे यहाँ पे भी आते हैं, तो हम पूछते हैं उनसे कि आप सर फोटो खिंचवा लें, मेरे को कुछ जैसे मैं जा रहा हूँ मुझे कहते ए, कैमरा लग गया। एक खींचना, माइक निकल गया। तो मुझे ये लगता है कि लोगों का प्यार है ये। भाजी आप हमारा फ्रूट बिखेर रहे हो सारा, ये फ्रूट नहीं है, हमारे आर्टिस्टों के प्रॉप्स हैं ये, आपको पता ही है ना हमारे शो का। ये आगे वाले दो सेब कृष्णा के हैं। सर आप प्लीज मेरे बारे में थोड़ा सोचिए, और मैं आपके लिए एक चाय लेकर आता हूँ बढ़िया सी। मैंने तेरे बारे में सोची एक बात, अभी भी सोचा मैंने, गेट आउट। अच्छा ये देख लो। कब से देख रही हो? मैं भी देख लूंगा तुम। पहली बात मेरी बात सुन, आर्मी हमारे देश की जो होती है, हमारी इज्जत है, हमें प्राउड है उन पे। उन आर्मी वालों की बनियान चोरी करके पहनते यार, मेरे कॉस्ट्यूम्स के बारे में तुम क्यों बोलते रहते हो? नहीं तुम दो बनियान वापस करके आना, ये अच्छा लगता है। आप मेरी दोगे तो मैं वापस करूंगा उनकी। mm,
पाजी ये मेरा लाइक ये गाना मैंने 8 साल पहले लिखा था एंड कंपोज किया था। ओहो तो ठंडा हो गया होगा अभी तो। मैंने ना एक वेस्ट फोल्डर बनाया था उसके अंदर ही था गाना। अच्छा ये रिलीज नहीं हुआ? रिलीज अभी हुआ लास्ट ईयर। अच्छा और गाने का नाम है वास्ते। वाओ तो ये जो आपका वेस्ट फोल्डर है कहाँ पे यार? मेरे को उसी फोल्डर में कुछ निकाल के दे दो। एक्चुअली वो सब ढूंढ रहे हैं घर पे आते रहते हैं। वास्ते जाने दूं मैं गवाही ना भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूं छोड़ दूं तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं इतना मानूं माहिया वास्ते जो भी दूं मैं गवा इमा भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू वेरी नाइस। पर ये आपने गाना बनाया लड़की पागल है पागल है पागल है। हाँ जी भाई। आपकी वाइफ ने नहीं पूछा किसकी बात कर रहे हो? लेट्स चेंज द क्वेश्चन। और सुनाओ चेतस क्वेश्चन। चेतस कभी ऐसा हुआ जैसे आपने कोई गाना रिमिक्स किया हो और म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म प्रोड्यूसर को पसंद ना आया हो और उसने बोला हो कि नहीं यार पसंद नहीं आया इसे वापस अलग अलग कर दो। सॉरी यार मैं थोड़ा मेरे सवाल ऐसे ही होते क्या करें हैं एक्चुअली वैसे जो एक बार मिक्स हो गया वो अलग अलग नहीं हो सकता? हो तो सकता है पर नहीं होता ऐसे। और फिर याद नहीं रहेगा ना कौन सा पीस कहाँ से निकाल। ओ पारी कमा क्या हो किनके हैं? वो घबरा गया नहीं आप ही को कह रहा हूं। बॉडी बड़ी अच्छी है ना आपकी है पाजी। चेतस के पार्टनर है पाजी वो लीजो है उन्होंने जो सर मुझे लगा इनका जिम में होगा। पाजी जो सौदा गाना है गुड न्यूज़ सौदा खरा खरा तो वो हमने साथ में बनाया। अरे वाओ वेलकम वेलकम ब्रो कुगाड़ा कमरिया सब ओके ग्रेट जॉब। पर अच्छा ऐसी बॉडी बनाई हो जैसे कभी कभी म्यूजिक का मन नहीं करे जाके पब के बाहर खड़े हो जाओ। ये अच्छी बात है। कभी ऐसा हुआ आपको किसी ने एडवांस दिया हो और आप शो करने गए और उसके बाद वो निकल गया हो एडवांस पे ही सारा शो कर दिया हो बाकी की पेमेंट मर गई हो आप हैं? हाय चेतस बेचारा स्वीट आदमी है पैसे मर गए आपके। हुआ है 2-3 बार हुआ है सर। तो पहली बार जब हुआ तो दूसरी बार आप क्या सोच के गए थे? आपको उस घटना से सीख लेनी चाहिए। दूसरी बार सिर्फ चेक बाउंस हुआ था चेक दे दिया था। और तीसरी बार क्या हुआ था? तीसरी बार एक्चुअली 2 ही बार हुआ था। आई एम अमेज्ड कि बाकी सबके साथ ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। किसी के पैसे नहीं मरे। हुआ है हुआ है मैम हुआ है। हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत बार ऐसा होता है एडवांस दे देते हैं आप पूरा काम कर लो मिलते नहीं पूरे पैसे भी। हुआ है हुआ है काफी बार हुआ है। अरे मैंने तो एक शो किया था तो मैंने ऑर्गेनाइजर को फोन किया था 10 साल पहले की बात है। मैं राजू श्रीवास्तव और भी 2-3 आर्टिस्ट थे तो पैसे भी कितने मतलब मान लो अगर मैं 100 रुपए लेता हूँ
और वो 500 ले रहे थे, है ना, कोई इतने ले रहा था, मतलब ऐसे नहीं, रियल नंबर नहीं है ये। सबसे बड़ी जोक तो तूने ये मारी। नहीं, मैं वैसे बात करूं, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, तो हमने उसको फोन किया कि हमारी तो फ्लाइट है, हम वापस जाने पैसे, तो कहते कि आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे करके महीना निकले, महीने बाद उसके बंदे ने बोला, दोस्त ने, कि वो तो मर ही गए हैं। मतलब आप सोचो, पैसे देने भी तो कर, और उसके बाद मिला भी मुझे, मैं कहा आप दोबारा जन्म ले लिया। बंदे ऐसे भी करते थे। जिथे जावे तू उथे जावे दिल दस के मैं करा जो तू रुस जानिए दिल टूटे जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए मैं था तेरे नाल रहना कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। कुड़ी मैं रुके दिए मैं जुत्ती लै दे सोने डीजे वाले बाबू मेरा 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 गाना बजा दो डीजे वाले बाबू डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना जब तेरी सरकार बना दूं टेबल को तेरी बार बना दूं वैसे तो हूँ बादशाह आज रात तुझे ऐसा बेबी काम करा दूं डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं घूर के देखे जो कोई तुझको कान में उसके चार लगा दूं जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया ला 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 शत हो
होगी आज रुसवा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी मेरे महबूब yeah yeah check baby DJ वाले बाबू मेरा गाना बजा दो DJ वाले बाबू ओ वक्रा सुवैगनी इसी के साथ आज की इस रंगारंग शाम का समापन करते हैं और आगे भी खुशी के मौके भी याद रखिए विवाह शादी बच्चों के मुंडन जन्मदिन पे बादशाह एंड कंपनी थैंक यू सो मच